देखिए, चीन में कोरोना का कोहराम है, इसलिए हम कह रहे हैं चीन के इंफेक्शन पर दुनिया में बड़ा टेंशन। चौबीस घंटे में 5,37,000 केस, 24 घंटे में जापान में कोविड के 2,00,000 नए मरीज, 24 घंटे में अमेरिका में कोविड के 50,000 नए मरीज, 24 घंटे में दक्षिण कोरिया में कोविड के 88,000 मरीज, 24 घंटे में फ्रांस में 54,000 कोविड के नए मरीज, 24 घंटे में ब्राजील में 44,000 कोविड के नए मरीज, 24 घंटे में 1,400 लोगों की गई जान। लेकिन चीन आंकड़े नहीं बताता, चीन सब छिपा रहा है। चीन के अस्पतालों में फर्श पर मरीज लेटे हुए हैं। चीन में इलाज के लिए लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, न दवा न इलाज, न अस्पताल में बिस्तर न डॉक्टर। सब्जियों से इलाज की कोशिश कर रहे हैं मजबूर चाइनीज नागरिक। बीजिंग से लेकर शिनजियांग तक, तियानजिन शहर से लेकर चोंगजिंग शहर तक कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। दुनिया को झांसा देने वाले चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग सच नहीं बता रहे, विश्व स्वास्थ्य संगठन चिंतित है। चीन की करतूतों से अब एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक हर जगह मचने लगा है कोहराम। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चीन छिपाएगा, दुनिया को रुलाएगा? जहां तो कोरोना की आफत से दुनिया एक बार फिर से सहमी हुई है, अलर्ट मोड पर है, और चीन की करतूत से विश्व का हर देश काफी परेशान है। खबरें हैं कि चीन के अस्पतालों में पैर रखने की जगह तक नहीं है, और कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट का नया स्ट्रेन इतनी तेजी के साथ पांव पसार रहा है, फैल रहा है कि हालात बेकाबू हो चुके हैं। लेकिन चीन अपनी बदहाली भी दुनिया से छुपा रहा है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चीन के इस रवैये पर गंभीर चिंता भी जाहिर की है और चीन से सही सही आंकड़े देने का अनुरोध किया है। WHO ने साफ कहा है कि चीन के अस्पतालों में ICU में भर्ती के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो सच नहीं है। चीन हमेशा से कोविड को लेकर, कोरोना के आंकड़ों को लेकर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करता रहा है। WHO को भी 2019 में कोरोना फैलने से पहले भी चीन ने ऐसे ही सच को छुपाया था, आंकड़े छुपाए थे। इसलिए आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चीन सच छुपाएगा और फिर दुनिया को रुलाएगा? ২০১৯ के इसी दिसंबर में चीन ने दुनिया से कोरोना फैलने का सच छिपाया था। नतीजा हुआ कि चीन के झूठ के कारण दुनिया भर में कोरोना से करीब 70,00,000 लोगों की जान चली गई। 3 साल बाद फिर इसी दिसंबर में चीन कोरोना का सच छिपा रहा है और दुनिया भर में वायरस के खतरनाक स्ट्रेन तेजी से पांव पसारते जा रहे हैं। वुहान के लैब में कोरोना वायरस बनने से लेकर दुनिया भर में कोविड फैलने तक चीन जिस तरीके से अपने महापाप छिपाता रहा, उसे लेकर इस बार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहले ही खतरे की घंटी बजा दी है। चीन के बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक जिस तरीके से कोविड वायरस के नए स्ट्रेन फैल रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहे, मरीजों के इलाज के लिए कहीं डॉक्टर तो कहीं दवाइयों की किल्लत हो रही है, और जिस तरह चीन में ICU फुल हो चुके हैं, उसके मुकाबले चीन से आ रहे आंकड़ों में सच्चाई नहीं दिखती। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन के हालात पर चिंता जताई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सबसे बड़ी चिंता ये है कि चीन जिस तरह से अपने देश में हो रहे संक्रमण और मौतों को लेकर आंकड़े छिपा रहा है, उससे ना तो महामारी के प्रसार को लेकर सही स्टडी हो पा रही है और ना ही रोकथाम के लिए उचित उपाय संभव हो पा रहा है। WHO needs more detailed information on disease severity, hospital admissions and requirements for ICU support.
WHO is supporting China to focus its efforts on vaccinating people at the highest risk across the country, and we continue to offer our support for clinical care and protecting its health system. चीन में नया स्ट्रेन जिस तेजी से फैला है उसे लेकर चीन के एक्सपर्ट्स ने गंभीर चेतावनियां जारी की हैं। आशंका जताई जा रही है कि चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी के तहत पहली बार लोगों में नेचुरल संक्रमण होने से रोक लिया था। उस आबादी में वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता नहीं बन पाई थी। उसी बड़ी आबादी में अब नए सिरे से संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन चीन की जिनपिंग सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के चक्कर में दुनिया को सच नहीं बता रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन को आज चीन का नाम लेकर इसलिए साफ साफ आरोप लगाना पड़ा है क्योंकि चीन में कोविड के ओमिक्रॉन वायरस के दोनों स्ट्रेन BF7 और BA5.2 का भयानक कहर मचा हुआ है। फिर भी चीन दुनिया को यह बता रहा है कि बुधवार को चीन में कोरोना के सिर्फ 3030 मरीज मिले हैं और एक भी मौत नहीं हुई, जबकि मंगलवार को चीन ने सिर्फ 5 लोगों की मौत का आंकड़ा दिया था। जबकि सोशल मीडिया पर चीन से आ रही तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब एक अस्पताल में दर्जन भर शव लिपटे पड़े हैं तो फिर चीन दुनिया के सामने कैसे सफेद झूठ बोल रहा है कि चीन में एक दिन में सिर्फ 5 मौतें हुई हैं और अगले दिन एक भी मौत नहीं हुई। चीन के इसी झूठ और सच छिपाने के कारण पूरी दुनिया ने सदी की सबसे बड़ी विनाशकारी महामारी झेली है। चीन के झूठ के कारण ही आज पूरी इंसानियत भयानक संकट में फंसी हुई है और ये चीन एक बार फिर महामारी का सच छिपा रहा है। आज तक ब्यूरो देखिए, चीन में जिनपिंग सरकार दुनिया से अपना सच तो हमेशा से छुपाती है, लेकिन चीन की सत्ता में सेंसरशिप का यह हाल है कि बीमारी और महामारी जैसे संकट से जुड़े आंकड़े भी छुपाए जाते हैं चीन में, और उसी का नतीजा है परिणाम है कि चीन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के दो नए स्ट्रेन कहर बरपा रहे हैं। आपको चीन से लेकर दुनिया भर के 5 बड़े वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स की वो राय सुनाते हैं जो चीन में आने वाले संकट और जिनपिंग सरकार की कोविड से लड़ाई में नाकामियों को साफ साफ उजागर करते हैं। चीन में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के दो नए स्ट्रेन ने सबसे ज्यादा तबाही मचानी शुरू की है। जिनपिंग की सरकार अपने देश में फैल रहे संक्रमण और कोविड से हो रही मौतों के आंकड़े भले छिपाती रहे, लेकिन चीन से लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक उसकी पोल खोल रहे हैं। चीन की पीकिंग यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट वांग वांगफा की चेतावनी से लोग सहमे हुए हैं। वांग वांगफा ने 5 बड़ी चेतावनियां दी हैं। चीन में BA5.2 और BF7 का संक्रमण जंगल की आग की तरह फैल रहा है। ताजा लहर में बड़े शहरों में मेडिकल संसाधनों पर बहुत दबाव है। बहुत जल्द अस्पतालों में मरीजों की भयानक बाढ़ आने वाली है। तेजी से इमरजेंसी गंभीर चिकित्सा और फीवर क्लिनिक्स बनने चाहिए। अस्पतालों में ICU बेड तेजी से बढ़ाना बेहद जरूरी। चीन में ये हालात तब है जब पहले से ही बीजिंग और दूसरे शहरों में श्मशानों में अंतिम संस्कार के लिए लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। चीन के मशहूर पल्मोनोलॉजिस्ट और जर्नल ऑफ थोरासिक डिजीज के एडिटर इन चीफ झांग नैनशान ने चेतावनी दी है कि चीन में कम वक्त के अंदर जिस तरह कोविड का संक्रमण फैला है उससे वायरस के और नए वेरिएंट बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल चीन में कोरोना विस्फोट के पीछे वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना से लड़ाई में चीन ने सही रास्ता नहीं अपनाया। कोविड रोकने के लिए चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी लागू कर रखी थी। इसमें पब्लिक प्लेस पर जाने के लिए रोज टेस्ट कराना होता था और रोज की नेगेटिव रिपोर्ट रखनी पड़ती थी। इस सख्ती को लेकर चीन में विरोध शुरू हुआ और कई जगह तो दंगे जैसे हालात भी बन गए। पिछले ही महीने चीन में आईफोन बनाने वाली फैक्ट्री से ही 20,000 लोग इसी सख्ती का विरोध करते हुए भाग खड़े हुए थे। इसका असर हुआ कि चीन में लोगों की जांच पड़ताल में ढील दे दी गई, टेस्टिंग रोकी गई तो ट्रैकिंग भी रुक गई। अचानक से संक्रमण तेज हो गया। अब चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की ओर से दावा किया जा रहा है कि चीन में 90 दिनों के अंदर ओमिक्रॉन के 130 सब वेरिएंट का पता लग चुका है, जिसमें BQ1 और XBB जैसे स्ट्रेन भी मिले हैं जो ब्रिटेन, अमेरिका और सिंगापुर में फैल रहे हैं। चीन की CDC के डायरेक्टर झू वेनबो का दावा है कि अब अमेरिका में हर अस्पताल में 10 गंभीर रूप से बीमार मरीजों समेत 15 मरीजों के रैंडम सैंपल लिए जा रहे हैं। इनका जीनोमिक डेटा नेशनल डेटाबेस पर अपलोड किया जा रहा है और एक हफ्ते के अंदर उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग करके वायरस के बारे में पता लगाया जा रहा है। हालांकि चीन में अभी जो हालात हैं उसके हिसाब से
द लिंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक आशंका जताई जा रही है कि चीन में कम से कम 15 लाख लोगों की मौत हो सकती है। यह आशंका इसलिए जताई गई है क्योंकि चीन ने नेचुरल एंटीबॉडीज वाली आबादी का डेटा शेयर नहीं किया है। इसके पीछे सीरोलॉजिकल स्टडीज का आधार बताया जा रहा है। चीन के डेटा के मुताबिक 20 लाख से भी कम लोगों को कोविड से नेचुरल इम्यूनिटी मिली है। ऐसे में नई लहर का खतरा बढ़ा हुआ है। चीन के CDC के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर फेंग झीजियांग तो आशंका जताते हैं कि इस लिहाज से चीन की 60% यानी 84 करोड़ की आबादी में कोरोना फैल सकता है। चीन में आज जो कोरोना का कोहराम मचा है, इसके पीछे जिनपिंग सरकार की नाकामी और झूठ बड़े कारण है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के एक्सपर्ट झेगमिंग चेन कहते हैं कि कोरोना से निपटने में चीन ने लापरवाही बरती है। ढील देने से पहले वैक्सीनेशन पूरा करना चाहिए था, हेल्थ केयर सिस्टम तैयार करना चाहिए था, लेकिन पिछले 6 महीने में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब दुनिया भर में कोरोना फैलाने के बाद चीन टेस्टिंग तो करता रहा, पॉजिटिव लोगों को सख्ती से क्वारंटाइन पर जोर लगाता रहा। इसका नतीजा हुआ कि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो सकी, और अब जब चीन ने विद्रोह के बाद सख्ती कम की तो ओमिक्रॉन के नए स्ट्रेन ने तबाही मचानी शुरू कर दी। आज तक ब्यूरो।